Rahman Rahim. I'm Askar Haris from Shukla, Pakistan. I'm so humbled to have Mr. Sunny Ali with us. ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने पाकिस्तानियों के लिए एक होप का पैगाम दिया. आपने number of thousands of thousands hundreds of thousands of opportunities create की हैं. तो so we welcome Mr. Sunny Ali. Sir, how are you? We just want to know your journey, sir, in the beginning, like in nutshell, how you started, and you know, although the people know about this, but we just want to listen from your side, what it was and how you progress in your career, sir. 2017 में start किया था Extreme Commerce Pakistan में, और basically idea ये था कि Amazon पे business कैसे किया जा सकता है, पैसे कैसे बनाए जा सकते हैं. बस वो एक group बनाया था, वहाँ मैं लोगों को coach करता था, guide करता था. और that was in Pakistan और ये बाहर था? नहीं, Pakistan में start किया. Right. बस वो evolve होता चला गया. हमने फिर काफी सारे products launch की, incubation system create किया Pakistan में. हमने mistakes भी किए हैं, हमने अच्छे काम भी किए हैं, हमने बहुत सारे मार भी खाई है, गलत decisions भी लिए हैं. Right. तो वो part of entrepreneurship life है basically. तो अच्छा journey जा रहा है सबका. Sir, extreme commerce को आप क्या देखते हैं down the road 5 or 10 years? Extreme commerce अभी हमारा focus incubation systems पे है कि Pakistan में बच्चों को empower किया जाए कि आप पैसे कमा सकें. Right. $500, $1000, $1500 system के अंदर engage करें, incubation systems में आए. और हमारा जो future मुझे नजर आता है वो है academic qualification, degree plus incubation का fusion. That's great. जो हमने पाकिस्तान में create किया EC college की शक्ल में. तो EC college का idea ये था कि आप degree का मसला भी हल करें, 3 घंटे degree program में लगाएं, 7-8 घंटे incubation में लगाएं, पैसे भी कमाएं, degree भी करें, future में बाहर भी जाएं, passport भी लें. तो ये इसके ऊपर हम काम करते हैं. It's a combination of you know education plus immigration plus आपका earning wealth वो बड़े अच्छे तरीके से. अच्छा सर, ये बताइए कि अभी तक क्या कुछ हो चुका है आपके प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान में? अभी तक हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर एजुटेक हमारा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, उसे हम बीबीसी कहते हैं. बीबीसी के ऊपर इस वक्त है 2 लाख मेंबर जिन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट बीबीसी यूज किया है. एक्सीलेंट एक्सीलेंट. उसमें से उन्होंने $300 मिलियन पर एनएम की एक्टिविटी जनरेट की है. ग्रेट. $300 मिलियन उन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया. व्हिच केम टू पाकिस्तान. जी जी बिल्कुल, पाकिस्तान. वेरी राइट. इसके अलावा अमेजोन के सेलर्स प्रोड्यूस हुए हैं, बहुत सारे लोग अमेजोन पे बेच रहे हैं इस वक्त. और अकॉर्डिंग टू अमेजोन की एक न्यूज के मुताबिक $25 मिलियन पर मंथ का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है अमेजोन सेलर्स का, जो कि पाकिस्तान में बनेगा रफली $300 मिलियन. अमेजोन का सेलर का रेवेन्यू अलग है, फ्रीलांसिंग का रेवेन्यू अलग है. रफली $600 मिलियन के एस्टिमेट समझते हैं. That's great. Sir, I heard in some of your interview कि आप एक हाफ साइड यूनिवर्सिटी काम करने का. सर, वो कहाँ पर पहुंचा? वो अभी चल रहा है. जी, कुछ टाइम लगेगा उसमें. पहला गोल ये है कि अफोर्डेबल एजुकेशन क्रिएट की है. अभी ब्रिटिश एजुकेशन अफोर्डेबल नहीं है, वो थोड़ी एक्सपेंसिव है. तो गोल ये फ्यूचर में हम फ्यूचर में यूनिवर्सिटी बनाएं, एजुकेशन को और भी सस्ता कर दें, और उसमें अर्निंग भी होनी चाहिए आपकी, डिग्री प्रोग्राम के दौरान अर्निंग होनी चाहिए. अभी पाकिस्तान में हो ये रहा है कि बच्चा 4 साल डिग्री करता है, उसके बाद मार्केट में उतरता है जॉब के लिए. Right. 30-40 हज़ार रुपये से स्टार्ट करता है. Sir. मकसद ये है कि आप 50,000-1 लाख रुपए पहले साल में कमा सकें डिग्री प्रोग्राम के दौरान. वेरी राइट. इसके ऊपर तो ये बहुत अच्छी एक होप है सर. व्हाट इज योर मैसेज ऑफ होप एंड ऑप्टिमिज्म टू द यूथ ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तानी यूथ बहुत लकी है. हमारे वक्त में ये हमारे पास इतना इंफॉर्मेशन का एक्सेस नहीं था, सोशल मीडिया का एक्सेस नहीं था. हम लोगों ने ज़्यादा स्ट्रगल किए हैं. पाकिस्तानी बच्चे आजकल तो बहुत लकी हैं कि उन्हें मेंटर्स मिल जाते हैं ऑनलाइन, उन्हें एडवाइस मिल जाती है, गाइड करने वाले मिल जाते हैं. तो उन्हें फॉलो करें, फॉलो करें, एडवाइस के बगैर कभी कोई काम ना करें. That's great. So what are your views about this conducting such type of festival which is called Tech Festival or Future Festival? होनी चाहिए एक्टिविटीज. अच्छा है, बहुत अच्छा है. बच्चे नेटवर्क बिल्ड करते हैं, यहाँ पे मिलते हैं, उन्हें आइडिया होता है कि कौन क्या कर रहे हैं सुपर मार्केट के अंदर. तो इस तरह के फेस्टिवल साल में 2-3 बार जरूर होने चाहिए. That's great. Sir, वो लोग जो एक्सट्रीम कॉमर्स को अप्रोच करना चाहते हैं वो कैसे अप्रोच कर सकते हैं? पाकिस्तान के 8 शहरों में इंक्यूबेटर्स हैं एक्सट्रीम कॉमर्स के. तो एनी टाइम किसी भी इंक्यूबेटर में वॉक इन कर सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं,
जो नए मेंबर्स हैं जिन्हें कोई आइडिया नहीं एक्सट्रीम कॉमर्स के बारे में, वो लोग जा सकते हैं sunnyali.com/important, इस लिंक पे जाके कुछ वीडियोस देख सकते हैं, उन्हें काफी आइडिया होगा। सर आपने बात की अफोर्डेबिलिटी की, वो क्योंकि फॉरेन एजुकेशन जो बहुत एक्सपेंसिव है, तो व्हाट यू पीपल आर डूइंग टू जस्ट टू फैसिलिटेट द पीपल जो के अफोर्ड नहीं कर सकते, उसके लिए पहला आइडिया ये था कि मिडिल क्लास को इनेबल किया जाए। मिडिल क्लास के बच्चे जो इंग्लैंड जाके पढ़ रहे हैं, पहले आप 2 साल पाकिस्तान में पढ़ लें, 1 साल इंग्लैंड में पढ़ लें, और इन 2 सालों में पैसे बनाने के काबिल हो जाए आप, पहला तो ये आइडिया था। उसके बाद नेक्स्ट इससे नीचे के लेवल पे आना है कि पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी बननी चाहिए जहाँ पे इंक्यूबेशन का फ्यूजन होना चाहिए, तो बच्चा डिग्री भी करे पैसे भी कमाए, तो ये विद इन फ्यू ईयर्स हो जाए। So you have number of meetings with the government officials, including the ministers of Pakistan. तो वहाँ से आपको कोई support मिली इसको अपने आप इस cause को आगे बढ़ाने के लिए? Government officials काफी support करते हैं, encourage भी करते हैं, appreciate भी करते हैं, लेकिन हमने कभी उनसे as such कोई collaboration इतनी ज़्यादा भी नहीं हुई, और हम मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं करता कि मैं गवर्नमेंट को बोलूं कि आए हमारी मदद करें, हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, खुद करेंगे अपनी मदद आप, तो बजाय ये कि हम डिपेंडेंट हो जाए गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि गवर्नमेंट भी उनके अपने चैलेंजेस हैं, उनके अपने मसाइल हैं, तो हम अप्रिशिएट करते हैं कि गवर्नमेंट भी हमें सपोर्ट कर रही है, उनकी तरफ से ऑफर्स भी होती है कि बताएं हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, देखेंगे फ्यूचर में कोई ऐसा कुछ अगर हमें जरूरत हो तो हम उनको अप्रोच। आप इसके लिए आपने दरवाजे खोले और यू विल वेल्कम एनी काइंड ऑफ यू नो सपोर्ट एंड हेल्प बाय द गवर्नमेंट। जी जी, दैट्स ग्रेट। वी हैव विद अस मिस्टर सनी अली, इनको कौन नहीं जानता, एक्सट्रीम कॉमर्स के सीईओ है, और फ्यूचर में ही विल बी डिक्लेयर्ड एज द चेयरमैन ऑफ एक्सट्रीम कॉमर्स। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया सर।